यूपी में बढ़ रहा जीका वायरस का कहर। हाँ, जीका वायरस था। अब तक कुल 79 मामले। 50 टीमें सैंपल लेने के लिए लगी। पिछले 24 घंटे में आए 13 नए मामले। सरकारी अस्पताल अलर्ट पर। कानपुर में जीका वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। शनिवार को एक साथ 13 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें 3 महिलाएं हैं। इसके साथ ही शहर में कुल जीका संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है। बताया जा रहा है कि चकेरी क्षेत्र में आज 13 नए संक्रमित मरीज आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को कुल संक्रमितों की संख्या 66 थी। मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। जीका वायरस की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पॉजिटिव मरीजों को घरों में रहने की हिदायत दी है। कानपुर के नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि अब तक उनकी 250 लोगों की टीम लगी हुई है, जिसमें 50 लोग सैंपल लेने का काम कर रहे हैं और बाकी 100-100 लोगों की अलग से टीम बनाई गई है। अब तक 79 केस जीका के पॉजिटिव आ चुके हैं और निर्धारित कार्यवाही में 100 टीमें सर्विलेंस के उसमें लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग कर रही है गर्भवती माताओं के सिम्टोमेटिक का और उनका जो कोई बाहर से आने वाले केरल महाराष्ट्र या किसी भी देश वगैरह से, और 100 टीमें सोर्स रिडक्शन में लगी हुई हैं जो घर घर जाकर जो है ब्रीडिंग को ख़त्म कर रही हैं और फोकल स्प्रे वगैरह कर रही हैं। 50 टीमें सैंपल लेने के लिए लगी हुई हैं। नहीं, उसी एरिया में है, वही 3 किलोमीटर के एरिया में ही है सभी केस। अच्छा, अभी बाहर का नहीं, बाहर का कोई एक्स्ट्रा एरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ। प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग को जांच के खास निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन, बस स्टेशनों पर खास नजर रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चकेरी क्षेत्र के जीका प्रभावित मोहल्ले हजेंद्र नगर, एयरफोर्स परिसर, पोखरपुर, लाल कुर्ती, मोती नगर, अशरफाबाद, आदर्श नगर से सैंपल भेजे थे, जिसके बाद व्यक्तियों की रिपोर्ट जीका पॉजिटिव आई है। Thank you.